सिर्फ दिल्ली एनसीआर के रहने वाले जो लोग हैं और जो स्वेच्छा से जाके निस्वार्थ भाव से भारतीय सेना के लिए रक्तदान कर सकते हैं, कृपया वही लोग इस रजिस्ट्रेशन लिंक पे रजिस्ट्रेशन करें या हमारे नंबर पे व्हाट्सएप के जरिए कॉन्टेक्ट करें। दिल्ली एनसीआर के बाहर के जो लोग हैं वो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हमारी जो भी ब्लड फॉर इंडियन आर्मी की टीम पोस्ट करती है ब्लड रिक्वायरमेंट के लिए, उसको आप शेयर कर दें। अगर आप दिल्ली के बाहर के भी रहने वाले हैं तो आपके शेयर करने की वजह से शायद वो पोस्ट किसी ऐसे रक्तदाता तक पहुंच जाएगी जो हमारे लिए भारतीय सेना के जवानों के लिए रक्तदान कर पाएगा। तो ये सारी बातें थी लाइफ में, आगे और भी बहुत सारी बातें मुझे कहनी है वो मैं कहूंगा। फिलहाल मैं रुख करता हूँ चंदन भाई की तरफ। चंदन भाई आप बताइए कैसे आप इस मिशन को देखते हैं, कैसे आप जुड़े और आपके पास क्या क्या चुनौतियां आती हैं जब आप कॉल करते हैं लोगों को रक्तदान के लिए, और आपका क्या अनुभव रहा है इस मिशन को लेकर। जी चंदन भाई जय सबसे हिंद जय पहले भारत। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे शुभम भैया को और जतिन भैया को, जिन्होंने इस मिशन, जो ब्लड फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस का एक मिशन है, जिनके आइडिया उनके में आया कि चलिए हम भारतीय सेना के लिए, जो हमारे लिए इतने बलिदान करते हैं, इतने सेक्रीफाइस करते हैं, उनको रक्त की कमी ना हो। देश के कोने कोने से आए सेना के जवान जब आरआर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं या उनके परिवार के लोग एडमिट होते हैं, उनको दिल्ली में कोई उनके जान पहचान के नहीं होते हैं, उनके लिए एक यूनिट ब्लड भी खोजना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब ऐसे में जतिन गोयल जी और शुभम मंगला जी के मन में ये आया कि चलिए हम उनके लिए कुछ सेवा दें। तब हमने इस मिशन का शुरुआत किया था 3-4 साल पहले। आज बहुत खुशी होता है कि हमने काफी यूनिट्स ब्लड वहां पे अरेंज कराया है। जब हम किसी डोनर को कॉल करते हैं ब्लड के लिए तो हमें बहुत कठिनाइयाँ दिक्कत होती है, जैसे कि या तो उनका वो ऑफिस टाइम होता है या फिर वो आउट ऑफ दिल्ली है, आउट ऑफ स्टेशन है, जिनकी वजह से वो रक्तदान नहीं कर पाते। और कई प्रॉब्लम ये आती है कि भाई जैसे सैटरडे संडे आ जाते हैं, लोग डोनर्स जो होते हैं सैटरडे संडे को ही जा पाते हैं, इसके सिवा उनके ऑफिस टाइम्स रहते हैं। हम ये चाहते हैं कि डोनर्स जो भी हमारे दिल्ली एनसीआर के हैं, वो अपने बॉस से या किसी से भी ये आग्रह करें, रिक्वेस्ट करें कि जब भी सेना के लिए रक्त की जरूरत पड़े, तब उनके बॉस है हाफ लिफ्ट या जो भी किसी भी प्रकार का, उनको एक सहायता करें, उनका मदद करें कि भाई वो जाके डोनेट कर सकें। एक सेना को अगर जी खून के लिए रुकना पड़ रहा है या उनको इतना परेशान होना पड़ रहा है, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। हमको कोशिश करना चाहिए कि किसी भी सेना के जवानों के लिए कभी खून की कमी ना पड़े।